Your Holiness, Maharaji, respected delegates on the stage, and my dear friends, ladies and gentlemen, I'm extremely honored to be here today on this very nice topic of world peace and harmony. जैसे फॉर्मर स्पीकर्स ने कहा, वैसे एक दो चीज अगर अपने समझ ले कि हर घर इंसान पैदा होते, जरूरत है हर घर इंसानियत पैदा करने की, तो ये अगर एक हो जाए तो उसके बाद कोई हेट्रेड का जगह ही नहीं रहता है, कोई हेट्रेड का विषय ही नहीं रहता, यानी डिक्शनरी से भी शायद निकल जाएगा, ऐसा 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 माहौल पैदा करना है। मैं वर्ल्ड वाटर काउंसिल का मेंबर हूँ, तो मैंने काफी वाटर पे रिसर्च की है। वाटर रिसर्च मैंने जब शुरू की, मैंने 1000 इयर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिया मैंने स्टडी किया कि अपने पूर्वज जो वाटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पानी कल्चर और वाटर इज हैंड इन ग्लव्स, पानी और कल्चर एक साथ है। तो जैसे एक मेरी रिसर्च है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि हिंदू कल्चर में है कि कोई अगर मेहमान अपने घर पे आता है या ऑफिस पे आता है, दुकान पे आता है, कहीं पे भी मिलने आता है, तो हम पानी देते हैं पहले। तो मैं एक वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी डे था लास्ट ईयर दुबई में, इट वाज अंडर बैनर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ऑल द रिलीजियस लीडर्स वर प्रेजेंट देयर। इन फ्यू ऑफ देम मैंने उनको एक सवाल किया कि सर ये होता है मगर क्यों होता है, तो बोले ये अपनी संस्कृति है, ये अपनी परंपरा है, ये अपनी सभ्यता है। बोले सर हर एक सभ्यता के पीछे कुछ कारण होता है, तो ये इसका इसकी कोई वजह होती है। तो फिर मैंने बहुत अदब से, क्योंकि दे आर ऑल वेरी रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर्स एंड कनोसर्स इन देयर फील्ड, तो मैंने एक बहुत अदब से कहा कि सर मेरा एक छोटा रिसर्च है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में चार देव है, उसमें एक देव है अतिथि। अगर अतिथि अपने घर पे आते हैं तो पानी इसलिए दिया जाता है कि ये मेरे घर में सबसे कीमती चीज है जो मैं पहले आपको अर्पण करता हूँ, एंड वाटर इज लाइफ, एवरीवन नो अबाउट। ये मैंने रिसर्च शेयर किया, आई गॉट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन दैट डे। और इस्लाम में है कि पानी जो मांगे उसी को दिया जाए, वो भी अपनी जगह पे बहुत ही सही है, क्योंकि पानी जैसे वाटर इज लाइफ, कई बार होता है कि कोई अपने वाटर ऑफर करते हैं और अपने मना कर देते हैं नहीं चाहिए, तो ये पानी की बहुत बड़ी तोहीन हो जाती है, ये लाइफ की तोहीन होती है। तो इस्लाम में है कि पानी, अगर कोई दुश्मन भी पानी मांगता है तो उसको पानी दो, इतना दो जब तक उसकी प्यास बुझ नहीं जाए, तो मगर मांगे तो पानी की तोहीन ना हो उसके लिए। यानी एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड हैज एज अ डिवाइन रूट टू द सेम डेस्टिनेशन। ये सारी चीज अगर अपने समझने लगे, उसकी जो रूट्स में अगर समझने लगे, तो इट इज सो प्योर एंड सो स्पिरिचुअली सो क्लियर एवरीथिंग। ये एक मैसेज है कि इंसानियत सबसे ऊपर आती है। मैंने 80 कंट्री ट्रैवल की है इन माय रिसर्च ऑफ वाटर, आई गॉन इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका and in India also, and in some of the most disturbed area also I've been there in my research of water. So, sir, इंसानियत सबसे ऊपर है। अगर कोई बहुत पाबंद हिंदू है और उसमें इंसानियत नहीं है तो वो हिंदू नहीं है। जैसे सर ने कहा कि वो अगर वो समझ जाए तो वो बहुत ही अच्छा इंसान हो सकता है। जैसे कोई मुसलमान है, पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, मगर उसमें इंसानियत नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। इंसानियत सा हर धर्म में सबसे ऊपर है, और ये अगर फोकस करके चले तो आई फील दैट वर्ल्ड कैन बी अ मच मच बेटर प्लेस एंड वी कैन मेक इट ऑल टुगेदर। वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि कोई और है, इट स्टार्ट्स विद माई सेल्फ एंड वी आर द वर्ल्ड। तो ये हर एक इंसान ये सोच के आगे बढ़े तो डेफिनेटली ये पीस एंड हार्मनी, द वर्ल्ड विल बिकम बाउंड्रीलेस एंड वर्ल्ड विल बिकम मच मच बियॉन्ड एन religion, and we all are children of one God, and we have to go there in the same destination back. So, ye agar ek baar samajh mein aa jaye, to definitely you know
the world can be much, much peaceful and a wonderful place to live with. Thank you. Thank you, Dr. Mustafa.